दोस्तों नमस्ते, फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। 15 जुलाई का जो सर्कल है उसमें जिनकी कुंडली सिलेक्ट हुई है उनकी कुंडली के आज मैं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को सीधी बात बता दूँ जो कि मैं जो 15 दिन का सर्कल करता हूँ आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ। 15 दिन का सर्कल होता है, 15 दिन के सर्कल के बाद आपकी कुंडली सिलेक्ट होती है। जिनकी कुंडली सिलेक्ट हो जाती है उनकी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग होती है। मतलब अगर आपको अपनी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग कराना है तो 15 दिन के सर्कल में आपको डालना पड़ता है। उसके बाद जिनकी सिलेक्शन होती है उनकी वीडियो बनती है, कुछ दिनों का समय लगता है, और जिनकी सिलेक्शन होती है उनके दो सवालों के जवाब मैं देता हूँ। अभी जो 15 जुलाई का सर्कल था उसके मैं आज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उनके रिगार्डिंग मैं बताऊँगा। बाकी पॉइंट ये है कि अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू ही कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू चाहे आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या आप फ्री रीडिंग करवाना चाहते हैं, फ्री रीडिंग में सिलेक्शन प्रोसेस में अपना नाम डलवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करिए, मैं डिटेल आपको दे दूंगा, उसको आप फॉलोअप कर लीजिएगा। फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग या पर्सनल रीडिंग के लिए आपको रिक्वेस्ट यही करूँगा जी कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करिए। आप पहली कुंडली की रीडिंग कर लेते हैं। पहली कुंडली हिनल की है। हिनल का सवाल ये है, हिनल एक डॉक्टर प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, तो उनके सवाल ये है जी कि क्या उनको फ्यूचर में आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉलो करना चाहिए या मॉडर्न मेडिसिन फॉलो करना चाहिए। हिनल, आपको आपके पहले सवाल का जवाब और दूसरा सवाल ये है कि क्या क्लिनिकल मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए या अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब या प्राइवेट प्रैक्टिस करनी चाहिए या मतलब कहीं एजुकेशन फॉरवर्ड करना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूज है, वो कंफ्यूजन शायद इसलिए है कि हिनल जी केतु आपके 12वें घर में बैठा हुआ है और केतु की महादशा चल रही है, इसलिए थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगा। आपको दो चीज़ें बता देता हूँ कि आपका लग्नेश कुंभ है, मतलब आपका लगन कुंभ है, मतलब आप एक्वेरियस लगन की हैं और आपकी जो आपका जो चंद्र राशि है वो है कैंसर। तो यहाँ पे जो कैंसर का चंद्र राशि है और चंद्र राशि में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठ जाए तो और छठे घर में बैठे हुए हैं अगर लगन के हिसाब से देखें, मतलब अगर एक्यूरेस लगन को हम फॉलोअप करें तो उसके हिसाब से छठे घर का मालिक चंद्रमा होता है और छठे घर के मालिक चंद्रमा छठे घर में बैठे हैं जो कि शुभ है। चंद्रमा को छठे के दोष नहीं लगता है, लेकिन वो राहु के साथ बैठने के कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं मतभेद मन में विचलित मन और परेशानियों को ज़्यादा सीरियसली लेके उनसे खुद का मन खराब कर लेने की एक संभावना बन जाती है। दूसरा पॉइंट यह है कि आपका लग्न जो शनि है एक्वेरियस लग्न का जो मालिक है वो डेबिलिटेटेड है, मतलब नीच का होकर बैठा हुआ है तीसरे घर में शुक्र के साथ। शुक्र के साथ बैठना अच्छी बात है लेकिन नीच का होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको सर्विस सेक्टर में रहना चाहिए, क्योंकि अगर शनि नीच के हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको वीक कर देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी आपकी थिंकिंग प्रोसेस वीक हो जाती है, आपको वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि शनि को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको शनि देव की पूजा करनी पड़ेगी। शनिवार को कोई भी किसी भी मंदिर में जाके सरसों के तेल का डोनेशन करिए, भाइयेगा मत, मंदिर के बाहर जो गरीब बैठे हैं जो गरीब लोग हैं उनको सरसों के तेल का डोनेशन करिए। दूसरा पॉइंट ये है कि राहु अगर बुध के साथ बैठे हुए हैं तो आपको डॉग फिट करना चाहिए और शनि के लिए भी डॉग फिट करना चाहिए। कोशिश करिए काले और ब्राउन कुत्तों को डॉग फिट करें, क्योंकि 26 तक आपका केतु की महादशा चल रही है, तो आप काले और ब्राउन डॉग को डॉग फिट करिए। केतु के लिए ब्राउन डॉग और काले डॉग शनि के राहु और शनि के लिए, और राहु के भी मंत्र जो हैं वो पाठ करिए और चंद्रमा को भी स्ट्रांग करिए। तो दूध पिला अगर आप डॉग फिट करिए तो दूध पिलाइए, उससे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वाइट चीज़ होती है और लिक्विड चीज़ है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रॉब्लम की, जो आपने सवाल पूछा आयुर्वेदिक या मॉडर्न मेडिसिन। देखिए राहु जब चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, राहु एक ऐसे प्लैनेट है जो फास्ट फॉरविंग प्लैनेट होते हैं, और आज के तारीख में अगर हम देखें तो आयुर्वेद एक वेद है, लेकिन उसमें देखा जाए तो वो एक स्टेबल बैकग्राउंड पे चल रहा है। स्टेबल बैकग्राउंड मतलब उसमें कोई नई चीज़ें इन्वेंट नहीं की जा रही है, वो आयुर्वेद है, तो वो पुरानी नुस्खों से वो बीमारियों को ठीक करने के तरीके हैं। और मॉडर्न मेडिसिन ये ऐसी चीज़ है जो पुराने नुस्खों से ज़्यादा रिपीटेड नई नई चीज़ों में, उसके अलावा भी मतलब रिपीटेड नई चीज़ें आविष्कार करने इन्वेंशन करने में और डिस्कवरी करने में लगे हैं। तो राहु हमेशा एयर प्लैनेट है और चंद्रमा के साथ बैठने के कारण मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करती हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वो आपके लिए ये सिर्फ मतलब शॉर्टेड चीज़ें हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा मॉडर्न मेडिसिन अगर आप प्रैक्टिस करती हैं तो। आयुर्वेद भी करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉडर्न मेडिसिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा जितना मेरा ख्याल बनता है।
दूसरा सवाल ये है कि अगर आपका, देखिए आपने पूछा जी कि क्लिनिक मतलब अपना प्रैक्टिस करें या प्राइवेट प्रैक्टिस करें, देखिए फ्यूचर में जाके करना तो आपको अपना खुद का ही प्रैक्टिस है। किसी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कम मतलब हॉस्पिटल में हमेशा प्रैक्टिस नहीं करते, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको पता है। बट ठीक है, अगर आप अभी करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको बोलूँगा थोड़ा रुक के करिए, क्योंकि केतु की महादशा चल रही है, केतु के बाद बुध की महादशा लगेगी, उस वक्त आप सोच सकते हैं, क्योंकि बुध आपके लगन में बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है, और लगन का बैठा हुआ बुध अच्छा होता है। तो बुध अगर आपके लगन में बैठे हुए चल रहा है तो आप उसको ही